केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के व्याख्यान में हम शुक्र नीति सार और उसमें प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में परिचर्चा करेंगे। आचार्य शुक्र के द्वारा लिखित ग्रंथ शुक्र नीति सार या शुक्र नीति शास्त्र, जिसे शुक्र नीति ही के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, इस ग्रंथ की रचना लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच की मानी जाती है। हालांकि इसमें अल्टेकर, काणे पी वी काणे, गोवस्त आपट और विनय कुमार सरकार का थोड़ा थोड़ा अलग मत है, परंतु सिद्धांततः सबका ये मानना है कि ये हर्षवर्धन के बाद की रचना है और लगभग इसे 8वीं से 10वीं सदी के बीच की रचना माना जाता है। इस समय हमारे पास जो शुक्र नीति सार का वर्जन उपलब्ध है, जिसे मूल रूप से कहा जाता है कि उसमें 4 अध्याय और 2200 श्लोक थे, परंतु डॉक्टर गोवस्त आपट ओपट के द्वारा 1882 में जो सदर्न इंडियन स्टेट्स, विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटका, बंगाल और तमिलनाडु से अलग अलग जगह से इसके अलग अलग पार्ट्स मिले हैं और उन भागों को एक जगह समाहित या कंपाइल करके जो पुस्तक तैयार की गई है, जिसे शुक्र नीति शास्त्र कहा जाता है, उसमें 5 अध्याय और 2454 श्लोक हैं। डॉक्टर गोवस्त आपट के द्वारा 1882 में और विनय कुमार सरकार के द्वारा ट्रांसलेशन किया गया है शुक्र नीति शास्त्र का। जो अवेलेबल शुक्र नीति शास्त्र है, उसके इन अध्यायों और श्लोकों के आधार पर यदि हम प्रशासनिक व्यवस्था का विवेचन करते हैं, तो हमारे सामने सबसे पहला मुद्दा आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अकॉर्डिंग टू शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के अनुसार जो प्रशासनिक व्यवस्था, उसके मूल घटक क्या है, क्योंकि इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इस प्रशासन को कौन से आधार तत्वों पर शुक्र ने डिजाइन किया है। साथियों, ब्राह्मण ग्रंथों की परंपरा का ही ये एक हिस्सा है जिसे शुक्र नीति शास्त्र कहते हैं। असुरों राक्षसों के गुरु, जिसे शुक्र कहा गया है, इस पुस्तक के पहले अध्याय के पहले श्लोक में जो प्रणाम किया गया है, या जिसको हम कह सकते हैं प्रणम में स्थित वर्गे अंत्यता और स्तुति, जो अंत करने वाला, उत्पत्ति करने वाला, पालन करने वाला परमात्मा है, उस परमात्मा को प्रणाम किया जाता है, जिसके बाद भृगु के पुत्र शुक्र को ब्रह्मा ने शुक्र नीति शास्त्र सुनाई है। हालांकि ये मनु के मानोधर्म शास्त्र, कुटिले के अर्थशास्त्र और वात्स्यायन के काम शास्त्र की तरह ही एक रचित ऐसा ग्रंथ है जो वैदिक साहित्य का कम अधिक स्वरूप में समर्थन करता है। समय के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव आया है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक विकसित सभ्यता थी, और उसके प्राकृतिक आपदाओं के बाद, पतन के बाद, जो एक किंवदंतीपूर्ण साहित्य लिखा गया, जो हर एक वंश से पहले है, बुद्ध और जैन साहित्य से पहले है, उस बीच का दौर जिसको वैदिक सभ्यता कहते हैं, उसके बाद की दौर की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में यह 1500 साल के बाद की रचना है जिसको शुक्र नीति शास्त्र कहा जाता है। इस शुक्र नीति शास्त्र में कुछ कुछ बदलाव होंगे, जिनके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले शुक्र के इस प्रशासनिक व्यवस्था को जो इस किताब में दिया गया है, उसके आधार पर दो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव, और सेकेंड इज नॉन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था या राजनीतिक प्रशासन और गैर राजनीतिक प्रशासन। राजनीतिक प्रशासन के अंतर्गत किंग और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, पुरोहित को, ऑफिसर्स को, स्पाइस को और एनवॉयज को शामिल किया गया है, जबकि नॉन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत
फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को शामिल किया गया है। तो टू टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अकॉर्डिंग टू शुक्राचार्य। अब ये जो राजनीतिक और गैर राजनीतिक प्रशासन है उसके कुछ कार्य करने के कुछ घटक और आधारभूत तत्व होते हैं जिनके जिनकी स्पिरिट और भावना को ध्यान में रखते हुए ही राजा की राजनीतिक प्रशासन और गैर राजनीतिक प्रशासन को काम करना है। ये पांच मुख्य घटक शुक्राचार्य की पुस्तक पर हम निर्धारित कर सकते हैं। नंबर एक, डिवाइन किंग, राजा या राज्य का देवी स्वरूप। साथियों, मैंने पूर्व व्याख्यान में बताया कि मनुस्मृति में, मानव धर्म शास्त्र में जो राजा को डिवाइन किंग का स्ट्रक्चर दिया गया उसका कुछ बदला हुआ स्वरूप अर्थशास्त्र में भी है, उसका बदला हुआ स्वरूप शुक्र नीति शास्त्र में भी है। इसलिए मैंने स्टेटमेंट दिया कि ब्राह्मणवादी परंपरा का ये ग्रंथ है। जनरेशन टू जनरेशन, समय बदला, रूप बदल दिया गया लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं चेंज हुआ। तो राजा को डिवाइन किंग कहा गया, देवी स्वरूप। यह राजा और किंग हैज होल्ड द एट वर्च्यू ऑफ गॉड, और एट वर्च्यू ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गॉड। इट मींस किंग इज द सुप्रीम गॉड, और किंग वाज सुप्रीम गॉड। राजा सर्वोच्च था, महादेवता था। राजा के द्वारा इंद्र के गुणों को, यम के गुणों को, कुबेर के गुणों को, सूर्य के गुणों को, अग्नि के गुणों को, यम के गुणों को, हवा के गुणों को धारण किया जाता है, चंद्रमा के गुणों को। ये आठ जो वर्च्यू बताए हैं, इन आठ गुणों का सम्मिलित स्वरूप किंग और राजा में होता है। इसलिए वे इन वर्च्यू के माध्यम से डिवाइन जो पावर है उनको होल्ड करता है, और इसलिए राजा जिसकी तुलना सप्तांग थ्योरी में सिर से की गई है वह सबसे ऊपर है, और बाकी उसके बॉडी के सिक्स पार्ट यानी कि टोटल सेवन पार्ट्स जिसको सप्तांग थ्योरी हम कहते हैं। तो राजा का देवी स्वरूप दिया गया, तो उसमें देवताओं की तरह अच्छाइयों के गुण की ये बात कही गई है। ये एग्जैक्ट अगर हम ये कहें कि इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो रूलर को डिवाइन स्ट्रक्चर देना है कि रूलर के प्रति हम देवता की तरह नजरिया रखें, ये उस 10वीं शताब्दी तक की रचना का मूल ध्येय है। नंबर दो है नैतिक नियम, मोरलिटी की बात कही गई, मोरल रूल्स की बात कही गई है। यहाँ शुक्र ने राजा और प्रजा के लिए नैतिकता के नियम डिजाइन किए हैं। राजा के लिए वो कहता है कि राजा को पांच घटक तत्वों से और तीन उप घटक तत्वों से उसकी नैतिकता को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कुछ ऐसे आधारभूत तत्व होते हैं, मानी स्वभाव के गुण होते हैं जो नैतिकता से व्यक्ति को पतित कर देते हैं। शुक्राचार्य लिखता है कि स्त्री, शराब और जुआ, इन तीनों का सीमित उपयोग करना चाहिए। अगर सीमित उपयोग किया जाए, कौन उपयोग की वस्तु यानी कि जो संबंध है वो इस तरह से रखने चाहिए, सीमित और गैर व्याभिचार संबंध रखने से राजा और रानी के भी मिलन से, महिला के मिलन से बेटा बेटी का जन्म होता है, दूध क्रीड़ा से धन की प्राप्ति होती है, और आंशिक या सीमित स्तर से यूज करने पर वाइन से बुद्धि बढ़ती है। ये शुक्र का कहना। लेकिन अगर इन तीनों का अति यानी कि अनलिमिटेड मात्रा में उपयोग किया जाता है तो दूध क्रीड़ा से राजा दरिद्र होता है, शराब से बुद्धि क्षीण होती है, और महिला से वे व्याभिचारी होके पतित हो जाता है। इसके साथ साथ पांच उदाहरण देकर वो बताता है कि कैसे राजा को नैतिकता को प्रोटेक्ट करना है। वो कहता है कि स्पर्श, जैसे हाथी और हथिनी के स्पर्श से, हाथी के स्पर्श से, हथिनी के स्पर्श से हाथी उसके बंधन में बंध जाता है, जो बहुत एक ताकतवर जानवर की बात। शब्द, शब्दों को सुन के जो हिरण है बहुत दूर चला जाता है, और बुगेलिया के गानों के बाद उसका जीवन का अंत हो जाता है। पतंगा, रूप, वह लो के रूप को देखकर उसे प्रेम करने लगता है और लो में समाहित होकर जलकर नष्ट हो जाता है। रस, मछली जो है वह मांसाहारी कांटे का रस लेने के स्वाद में आगे बढ़ती है और मछुआरे के जाल में फंस जाती है, उसका अंत हो जाता है। और सुगंध, जैसे भौंरा, कमल और तमाम तरह के पुष्पों का सुगंध लेने की वजह से वह पुष्प के अंदर जाता है और पुष्प मुरझाने के बाद वह पुष्प के अंदर ही
नष्ट हो जाता है। तो कह रहे कि इन पांचों से राजा को नैतिकता का पाठ पढ़ना चाहिए कि वह ध्यान रखे कि ऐसे अगर राजा कार्य करेगा तो राजा का भी क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। ये वो नैतिक नियमों की बात कर रहा है। इसलिए विशेष रूप से महिलाओं के प्रति उसका रुख अलग है और वो कह रहा है कि ये राजा को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ऐसी चंचल आँखों वाली, सूरमे वाली, मधुर बातें करने वाली, मीठी बातें करने वाली ऐसी महिलाएं राजा को पतित कर देती हैं और उसको नैतिकता से दूर ले जाती, अनैतिक। नंबर तीन, धर्म और दंड। कौटिल्य की तरह शुक्र भी कहता है कि आंविक्सी की त्रिवार्ता और दंड नीति, विधा की चार शाखाएं होती हैं, धर्म और दंड। तो दंड नीति का ही मुख्य हिस्सा है। धर्म का मतलब है कि यहां शुक्र थोड़ा सा मनु और कौटिल्य से अलग कहता है कि धर्म ये वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है और पुरुषार्थ धर्म है। पिछले जन्म का क्रम भाग्य है, इस जन्म का क्रम पुरुषार्थ कहलाता है। धर्म अर्थ कर्म और मोक्ष का क्रम चलता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यासी आश्रम का आश्रम क्रम चलता है और कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और मलेच्छ, पांच की बात यहाँ शुक्र ने कही है कि कोई जन्म से ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र या मलेच्छ नहीं होता। शुक्र कह रहा है वह कर्मों से होता है। जैसे व्यक्ति कर्म करता है वैसे ही व्यक्ति वर्ण में चला जाता है। हालांकि उस समय तक जाति व्यवस्था विकसित हो चुकी है लेकिन शुक्र ने इसको थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया कि ये कर्म पर आधारित हो वापस। हालांकि इसको स्वीकार नहीं किया गया परंतु शुक्र ने शुक्र नीति शास्त्र में जो लिखा है उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। तो कह रहा है कि जन्म से नहीं होता है, कर्म से होना चाहिए, कर्म से ही होता है। और कर्म करने वाला या निम्न श्रेणी के कर्म करने वाला मलेच्छ होता है, उच्च श्रेणी के कर्म करने वाला ब्राह्मण होता है। तो इनको धर्म और दंड यानी कि अधर्म, अपने धर्म का पालन नहीं करना, कर्तव्यों का पालन नहीं करना अधर्म है और ऐसे व्यक्ति को दंड नीति के अनुसार दंडित किया जाएगा, पनिष्ठ किया जाएगा। वो भले ही कोई से वर्ण का व्यक्ति हो उसके लिए वो कह रहा है धर्म और दंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दंड शक्ति का गलत उपयोग नहीं किया जाएगा। चौथा है प्रजा कल्याण और उसकी रक्षा। जैसा कहा गया नरपश्चे परमो धर्म प्रजानाम रक्षणम और प्रजानाम परिपालनम। नरप का पहला धर्म है प्रजा का परिपालन करना, उसकी सुरक्षा करना, उसकी रक्षा करना। तो जो राजनीतिक प्रशासन हो चाहे गैर राजनीतिक प्रशासन हो, उन सब का उद्देश्य है कि प्रशासनिक मशीनरी का मूल जो ऑब्जेक्टिव है वो जनता की समस्याओं का निदान करना और उनका वेलफेयर करना, उनका प्रोटेक्शन, हितों का प्रोटेक्शन करना, ये है। ये आज भी हमारे प्रशासन के लिए, विकासशील देशों का प्रशासन इसके विपरीत ज़्यादा काम करता है। इसलिए शुक्र की इस प्रशासनिक व्यवस्था से हमें सीखना चाहिए। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन जो कि नए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है, नए इंडियन है, यानी कि घोड़े और गधे का जो मिक्स ब्रांड होता है, खच्चर की व्यवस्था में विकासशील देशों का प्रशासन काम करता है। इसलिए ये देश डेवलपमेंट के ट्रेप में फंसे हुए हैं। राजा यानी कि प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स दोनों मिलकर इस देश को, विकासशील देशों को, उनके जनता के कल्याण को सही दिशा नहीं देते। इसलिए दशा और दिशा दोनों खराब हो चुकी हैं, ये मैक्स वेबर भी कहता है। और पांचवा है प्रजा धर्म राजधर्म। यानी कि यहाँ कौटिल्य को फिर से फॉलो किया गया है कि राजा के लिए भी धर्म उतना ही आवश्यक है जितना प्रजा के लिए, और प्रजा के लिए भी धर्म उतना ही आवश्यक है जितना राजा के लिए। धर्म का मतलब यहाँ रिलीजन से नहीं है, वो कह रहे हैं धर्म का मतलब है नियमों से, व्यवस्था से, कानून से और अभी समयों से जो व्यवस्थाएं हैं उनको, जो रूल्स बनाए गए उसके हिसाब से हमें फॉलो करना है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे और राजा भी अपने कर्तव्यों का पालन करे नैतिकता को ध्यान में रखते हुए, तो वह एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था होगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि मौर्य प्रशासन में चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक, सम्राट अशोक तक की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था या मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसको बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कहा जाता है। लेकिन ये आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हमारे पास इतना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होने के बावजूद भी हमने एक दूसरे प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था को अपना रखा है जिसकी वजह से भारत की जो स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए थी या हो सकती थी। तो हमें, जो मैंने पहले भी कहा कि
कुछ जो अच्छाइयां हैं, सभी बुराइयां नहीं हैं, जो अच्छाइयां हैं, जो मेरिट्स हैं, जो वर्च्यू हैं, उनको अपनाते हुए इन्हें लागू किया जाए। जो मैं बार बार कहता हूँ कि ड्यूटी को फॉलो करना, यानी कि राजा राजपद का ध्यान रखे, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का ध्यान रखे। अगर वह एक आम अपराधी की तरह या एक जिस व्यक्ति पर कोई जिम्मेदारी उसकी तरह झूठ बोलता है तो जैसा राजा वैसी प्रजा, तो ये उस देश के आगे बढ़ने के संकेत नहीं हैं, उस देश के तबाही के और अव्यवस्था उत्पन्न होने के संकेत हैं। तो वह अपनी डिग्निटी को मेंटेन करे, आम आदमी अपनी डिग्निटी को मेंटेन करे और सभी लोग अपनी अपनी गरिमा को, समानता को, स्वतंत्रता को, न्याय की व्यवस्था को स्थापित करने में सहयोग करें। यह लोगों का धर्म है और यह राजा का धर्म है। ये शुक्र नीति की प्रशासनिक व्यवस्था के बेसिक टूल्स और एलिमेंट्स हैं, जिनके भी यहाँ पर शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था को दो भागों पर बांटा गया है, जो दोनों राजनीतिक प्रशासन और गैर राजनीतिक प्रशासन में इन पांचों एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए शुक्र ने उस प्रशासनिक व्यवस्था को डिजाइन किया है। नेक्स्ट व्याख्यान में हम प्रशासनिक व्यवस्था के दो स्वरूप और उनके अलग अलग जो उपभाग हैं उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।